गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वील टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो हम उसी नॉलेज से, उसी इंफॉर्मेशन से ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं. देखो, यदि एक स्टेशनरी पॉजिटिव क्यू चार्ज है मेरे पास, तो इससे एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या बोलते हो, के क्यू बाई एक्स. क्लियर? ये चीजें आप बोलते हो. अब ध्यान से सुनना, यदि मैं आपको ये कहता हूं कि जो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल अगर पोटेंशियल को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं एक्स के रेस्पेक्ट में और उसका माइनस करता हूं, एक बार ये चेक करते हैं कि माइनस डेल यू बाय डेल एक्स क्या आता है. माइनस डेल वी बाय डेल एक्स क्या आता है, मतलब इस पोटेंशियल में चेंज कितना होगा यदि एक्स में थोड़ा सा चेंज किया जाए. पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर? इसलिए इसको डेल बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में. तो माइनस डेल बाई डेल एक्स देखो क्या आएगा, के क्यू एक्स की पावर माइनस वन, माइनस वन माइनस वन आगे आएगा तो एक्स की पावर माइनस टू आ जाएगा, तो माइनस टू नीचे आके प्लस टू हो जाएगा, ये आएगा माइनस. तो ये डिफ्रेंशिएशन की वजह से आया और माइनस फॉर्मूले में है माइनस. तो ये किसके बराबर आया, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर. तो मेरी समझ में ये आया कि यदि मैं माइनस डेल वी बाय डेल एक्स करता हूं पोटेंशियल में, किसी एक डायरेक्शन के अलोंग डिफरेंस देखता हूं, ग्रेडियंट देखता हूं, जब लोकेशन के साथ चेंज देखा जाता है किसी भी क्वांटिटी में, जब पोजीशन के साथ चेंज देखा जाता है किसी भी क्वांटिटी में, तो उसका नाम ग्रेडियंट होता है. ग्रेडियंट, समझ में ही बात है? जैसे आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर में, समझे, टेम्परेचर ग्रेडियंट. ऐसे ही ट्वेल्थ वाले बच्चों को पता होगा कि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, या गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम लोकेशन के साथ, जैसे आपने विस्कोसिटी में पढ़ा होगा ड्रैग फोर्स में डेल वी बाई डेल एक्स आता था, उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते थे. जब कभी भी आप चेंज लोकेशन के साथ लेते हैं तो उसका नाम होता है ग्रेडियंट. यहाँ ग्रेडियंट क्या आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट तो ये किसके बराबर आया, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आया. समझ में आई कहानी? और ये मैं अमाउंट से बता रहा हूं कि ये अमाउंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट पी पर अमाउंट है ना, ये के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, डायरेक्शन थोड़ी ना है इसमें, ये अमाउंट है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट आता है वो माइनस डेल बाई डेल एक्स के बराबर आता है, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, समझे ना, ये मोड लगाया मैंने, माइनस डेल बाई डेल एक्स का मोड बराबर होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट के. क्लियर? ये मुझे समझ में आया इस कहानी से. हमारा जो टॉपिक था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मुझे रिलेशन क्या पता चला कि पोटेंशियल को यदि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं एक डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. और यदि आप 3D में ये फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो 3D में देखो कैसे लिखोगे आप ये फॉर्मूला, ई एक्स माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप प्लस माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप. अगर आप 3D में एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है मान लेते हैं, यानी आप 3D में एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला 3D में ऐसे आ जाएगा, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप. समझ में आई कहानी? क्लियर? अब अगर इस फॉर्मूले को आप ये मोड हटा के भी लिखना चाहते हो, वो क्या आएगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, अगर आप ये हटा के लिखना चाहते हो. अब इसमें डायरेक्शन कैसे आएगी,
ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वाली डायरेक्शन, एक्स कैप वाली डायरेक्शन। मतलब ये मुझे क्या बताती है ये इक्वेशन? ये मुझे बता दी है कि यदि मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल में कमी आएगी। अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल में कमी आएगी। ये पॉजिटिव तो ये होना चाहिए निगेटिव, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तब ये अमाउंट पॉजिटिव आएगा। और ये अमाउंट पॉजिटिव, और यहां क्या लिखा हुआ है? एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। दोबारा फिर बोलता हूं, डी एक्स का मतलब आप एक्स में इंक्रीमेंट यदि करते हो, आप पॉइंट पी से थोड़ा आगे जाते हो, यहां पॉइंट क्यू पे जाते हो, इसको मैं बोल देता हूं डी एक्स। तो आपको क्या लगता है, पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, आप दूर जा रहे हो। पोटेंशियल होता है के क्यू बाई एक्स, एक्स बढ़ेगा तो घटेगा, पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब डेल भी निगेटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। यानी टोटल अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं डेल यू बाई डेल एक्स की, तो ये क्या आएगा? निगेटिव। इसलिए फॉर्मूले में ये माइनस आया हुआ है, जिससे कि अभी क्या हो जाए पूरा अमाउंट पॉजिटिव। और अब मैंने आगे क्या लिख दिया, क्योंकि इधर वेक्टर है तो इधर वेक्टर लिखना जरूरी है, वेक्टर वेक्टर के बराबर होता है। अगर मैं ये वेक्टर ना लिखता तो ये स्केलर हो जाता है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया एक्स कैप, मतलब एक्स की डायरेक्शन में। क्लियर, एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? दूर की ओर। तो देखो दूर की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप मोड नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे, तो अभी हमें जो ये रिलेशन पता चला है, कौन से वाला रिलेशन, कि ई आर किसी एक डायरेक्शन में माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है। मैं इधर वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, अमाउंट की बात कर रहा हूं, ये होता है। समझे? तो इस फॉर्मूले को लोग कैसे यूज करते हैं, देखो दो तरीके से ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, माइनस डेल यू बाई डेल आर। यदि आपको पता है v एज अ फंक्शन ऑफ r, आपको पता है कि v r पे डिपेंड कर रहा है, कितने तरीके से डिपेंड कर सकता है? बहुत तरीके से, 4r square plus r minus 1, देखो एज अ फंक्शन ऑफ r है v। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है किसी पर्टिकुलर r पर, तो आप क्या करोगे? माइनस डेल बाई डेल r, क्या लिख दोगे? 8r plus 1, और यहां वो r की वैल्यू आपको बोल दे देगा कि माइनस 1 है, पुट कर दो इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। किस पॉइंट पर? E माइनस वन पर। तो यानी एक तरीका तो कैसे होगा इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करने का, कि आपको वो क्या देगा, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ R, पूछ लेगा E एज अ फंक्शन ऑफ R बताओ, या E किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बताओ। एक तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला यूटिलाइज किया जाता है। दूसरा कैसे यूटिलाइज किया जाता है, देखें मैं जानता हूं कि ये ग्रेडियंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है। क्लियर? तो यहां से यदि मैं ई आर इसको इसके पास लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे ये सेम डायरेक्शन की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। ये डी आर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा और इधर आएगा डेल वी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। और यदि अब आपको ई आर दिया जाता है एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो आप यहां पुट करोगे एफ आर डी आर इंटीग्रेशन। अगर एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है तो कोस जीरो आएगा, एक डायरेक्शन में ई आर और डी आर एक डायरेक्शन में है, तो यहां डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा? कोस जीरो आएगा। कोस जीरो क्या होता है? वन। तो आपको यह लिखने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्शन में आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, यहां से मोड हटा दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ई आर इंटीग्रेशन। समझे? ये फॉर्म यूज करोगे क्या बताने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। इधर क्या आएगा? इनिशियल से लेके फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। एफ एक्स यहां रखोगे, आर वन से लेके आर टू, यहां क्या आएगा? वी वन से लेके वी टू डी वी। तो इधर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इधर क्या आ जाएगा? एक अमाउंट इंटीग्रेशन के बाद। समझे? तो दूसरा तरीका ऐसे होता है, यही फॉर्मूला दूसरे तरीके से ऐसे यूटिलाइज किया जाता है। अगर एक डायरेक्शन में, तो आप हमेशा पाएंगे कि यहां डॉट प्रोडक्ट में वैल्यूज कोस जीरो आएगी, तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन यदि ई और डी आर आप सेम डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं, कुछ डायरेक्शन में डिफरेंस है, तो आपको यहां डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ता है। समझे? इसलिए यह स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल,
वी इनिशियल से लेके वी फाइनल, ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है। क्लियर? मतलब इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट करके। याद रखना कि ये डी आर और ई आर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप हटा दोगे इस डॉट को, ये एरो लिखने की जरूरत नहीं है, जानते हैं आप डॉट प्रोडक्ट। और अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, किसी एंगल पर है, तो वो कोस थीटा आएगा। इसलिए जो सही स्टेटमेंट है वो ये है, क्योंकि इसमें डॉट में दोनों आ जाते हैं, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे ना हो, समझे। तो इस फॉर्मूले को दो तरीके से यूज किया जाता है, यदि आपको वी एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया जाए या ई एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया जाए। ई एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, वी एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया जाए तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, समझे। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये जो मैंने अभी बोला, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, जो पीछे भी एक आर्टिकल बताया उस पे एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, यूनिफॉर्म, 10 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? आपको बताना है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, ये आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डेल वी बाई डेल एक्स की बात करते हैं। डेल वी बाई डेल एक्स क्या आएगा? माइनस ई एक्स, क्योंकि ई एक्स क्या होता है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा? माइनस ई एक्स। और ई एक्स कितना है? माइनस 10। तो ये आंसर आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स का आंसर आएगा ये। क्लियर? इसको हम कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल को हम वोल्ट लिखते हैं, वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है जूल। क्लियर? या जूल पर कूलम भी आप बोल सकते हो, समझे ना। वोल्ट को क्या बोल सकते हो? जूल पर कूलम। एक कूलम वर्क करने में, एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? जूल पर कूलम भी बोल सकते हो या वोल्ट भी बोल सकते हो, समझे। तो ये आएगा वोल्ट पर मीटर। ऐसे ही अगर आपको डेल वी बाय डेल एक्स की बात किया जाए, डेल वी बाय डेल एक्स, अब ये क्या कर रहे हो आप? डेल एक्स तो हो चुका है, डेल वाई, डेल वी बाय डेल वाई कर रहे हो आप। तो क्या कर रहे हो आप वाई डायरेक्शन में पोजिशन चेंज कर रहे हो, वाई डायरेक्शन में। मतलब अगर वाई डायरेक्शन में आप चलते हो, वाई डायरेक्शन में भी आप चलते हो, तो मुझे बताओ वाई डायरेक्शन में आपकी लोकेशन तो ऐसे आएगी डी वाई, डी वाई यही तो आएगा, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। आप कहीं भी ले लो, मान लेते हैं आप यहाँ से यहाँ गए, थोड़ा सा चेंज किया, तो डी वाई तो यही आएगा ना, यहाँ से यहाँ डी वाई ऐसे आएगा। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी वाई में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डी वाई ऐसे है। क्लियर? तो एंगल कितना आया? 90 डिग्री का। तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट करो, कौन से वाला? E डेल वाई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी वी, ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट करो। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखोगे E नेट, क्योंकि अब आप किधर जा रहे हो? Y एक्सिस में। तो या तो यहां नेट लिखो, डॉट प्रोडक्ट लिखो, या फिर आप करो y डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड डी वाई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी वी, वाई डायरेक्शन में चेंज। क्लियर? नेट पोटेंशियल में चेंज, y डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो y डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। और यदि नेट लिखोगे तो क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब यहां से अगर डॉट प्रोडक्ट लिखते हो आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डी वाई इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये क्या आएगा? जीरो आएगा। कोस 90 कितना होता है? जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। यानी यदि आप वाई डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो ई वाई, ये किसके बराबर आएगा? ई वाई के। और ई वाई कितना है? वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। दो तरीके। एक तो क्या तरीका कि आप इसको किसके बराबर लिखोगे, इस अमाउंट को किसके बराबर लिखोगे? ई वाई के बराबर। और ई वाई कितना है? कुछ नहीं है, ई वाई जीरो है, तो क्या आएगा? जीरो। दूसरा तरीका क्या है? आप पोटेंशियल चेंज के बारे में सोचना स्टार्ट करें, डी वाई इधर आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। अब यहां नेट होता है, यहां डॉट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डॉट। अगर नेट देखोगे आप इधर है और डी वाई इधर है, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। कोस 90 क्या आएगा? जीरो। क्लियर? समझ में ही बात। तो ये अमाउंट क्या आएगा? जीरो। दूसरा तरीका, आप यहां ई वाई लिखो, ई वाई क्या है? जीरो। एक ही बात है,
दोनों एक ही बात है, ये भी वही बात बोल रहा हूं मैं दूसरे तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बड़ा सिंपल सा मेथड है कि डेल वी बाई डेल वाई आएगा माइनस ई वाई, ई वाई यहां नहीं है, जीरो है, क्लियर। एक बात मेरी समझ में और आती है कि यदि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हो, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में है और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, मैं जानता हूं कि सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है ई नेट सबके लिए डॉट डी आर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डेल वी, ये होता है। तो यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके चलने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा जीरो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके चेंज इन पोजीशन, मतलब जो आप चेंज इन पोजीशन चाहते हैं यानी आपका चलने की डायरेक्शन, क्लियर, आप जो मूव कर रहे हो किसी पॉइंट को, पोजीशन में चेंज जो कर रहे हो वो डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि 90 डिग्री पर है तो डॉट प्रोडक्ट ही हमेशा जीरो रिजल्ट देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अगर आप चलते हो तो वहां पोटेंशियल सेम रहता है। ये जीरो आने का मतलब क्या है, डेल्टा वी जीरो आएगा, और डेल्टा वी जीरो आने का मतलब क्या है, वी कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये क्या है डेल्टा वी, और डेल्टा वी जीरो का मतलब वी कॉन्स्टेंट। तो यहां से इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आई हमें, एक ये जो एनालाइज मैंने किया इससे एक कंक्लूजन सामने निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि मैं परपेंडिकुलर चलता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के तो हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है। अब यही कहानी यहां भी अप्लाई होगी, वाई एक्सिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, दैट्स वाई डेल वी विल बी जीरो, और यू में से डेल माइनस ई जेड इज इक्वल टू जीरो वोल्ट पर मीटर। तो अब आप ये बात नोट करना अपनी नोटबुक में, इफ यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इफ यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देन देर विल बी नो पोटेंशियल चेंज, देर विल बी कॉन्स्टेंट पोटेंशियल ऑन दैट पाथ विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्लियर। दिस पाथ हैज अ नेम, वॉट इज दैट नेम, नेम इज इक्विपोटेंशियल लाइन, इसको आप इक्विपोटेंशियल लाइन बोल सकते हो, इसको आप इक्विपोटेंशियल लाइन बोल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद में वही बताऊंगा आपको, देखो ध्यान से। वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्या कर लेता हूं कि मैं एक क्यूबॉइड बना देता हूं, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये लेंथ आपको दे दी जाती है 1, 2 और ये 3। ध्यान से देखना कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है, क्लियर। अब बोला जाएगा आपको पोटेंशियल, पोटेंशियल ये एग्जाम्पल है, पोटेंशियल ऑफ ओरिजिन ओ इज 0 वोल्ट, 0 वोल्ट पोटेंशियल है ओरिजिन का, क्लियर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ई एक्स इस रीजन में, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो आपको बताना है ए बी सी डी ई एफ जी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ई, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एफ, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जी, हर एक पॉइंट का आपको पोटेंशियल बताना है। ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। यदि आप चीजों को रटते नहीं है, समझते हैं, तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है। अगर आप चीजों को रटते नहीं है, समझते हैं, तो आपके लिए आसान है। देखो मैं इसको कैसे अप्रोच करता हूं, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, सुनो ध्यान से।
मुझे पता है कि इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है। इस डायरेक्शन से मैं यदि तीन यूनिट चलता हूं, तीन मीटर चलता हूं, ये मीटर है, मीटर मीटर, तीन मीटर चलता हूं मैं एक्स एक्सिस में, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, पॉइंट बी पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, ये होता है। किसी एक डायरेक्शन आर डायरेक्शन में यदि आप चलते हो तो मुझे पता है कि आर डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, ये रिलेशन यही बोलता है, ये मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। तो ये चीज इधर ये माइनस क्या दर्शा रहा है कि डेल वी निगेटिव है, आर बढ़ाओगे तो वी घटेगा, डी आर पॉजिटिव तो डी वी निगेटिव। अब डी वी निगेटिव, ये अमाउंट तो पॉजिटिव है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस निगेटिव को, इसलिए ये अमाउंट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियर। इस वजह से माइनस लगाया गया है। तो मेरी समझ में ये आता है कि मैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता हूं तो पोटेंशियल गिरता है, पोटेंशियल कम होता है। ये डी आर ई आर की डायरेक्शन में है, ई आर बराबर माइनस डेल यू बाई डेल आर क्या है कि आर डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर मिलता है, ये दोनों सेम डायरेक्शन दर्शाते हैं डी आर और ई आर। डी आर आर की डायरेक्शन में चलना तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, ई आर बराबर माइनस डेल यू बाई डेल आर, यानी आर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू आर मूविंग डी आर, क्लियर। तो मुझे ये पता चलता है इस रिलेशन से, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है। ये बड़ा आसान भी है आपको समझना, ये देखो अगर यहां पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, तो आप इस पॉइंट ए से यदि पॉइंट बी पर जाते हो तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, अरे घटेगा भैया, दूर जा रहे हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि जाओगे तो बेटा पोटेंशियल घटता है, ये आप याद रखना। मुझे पता है कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड टू है, यह फॉर्मूला मुझे बताता है कि यदि मैं एक मीटर आगे चलता हूं, इसकी वैल्यू यदि मैं एक मीटर रख दूं, यानी इसको मैं थोड़े से बड़े चेंज पे लिख देता हूं ऐसे, और इसको एक मीटर लिख देता हूं, एक मीटर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल वी के। यानी एक मीटर चलने पर जो डिक्रीमेंट होता है, ये डिक्रीमेंट है, इनिशियल माइनस फाइनल लिखा हुआ है, एक मीटर चलने पर किसी एक डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक मीटर चलने पर जो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है। आई बात समझ में, इसका मतलब ये है कि यदि मैं एक्स एक्सिस में एक मीटर चलता हूं तो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट दो वोल्ट का आएगा। बड़ी आसान सी बात है भाई, ये देखो ना डेल वी बाई डेल आर लिखा हुआ है, इसको इधर लेके जाता हूं मैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा हूं एक्स में, तो एक्स में लिखूंगा इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आएगा माइनस डेल वी इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा वी, ये क्या आएगा ई एक्स कॉन्स्टेंट है वो टू है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इस पर लगेगा डेल्टा एक्स, इसको मैं एक मीटर रख देता हूं तो ये क्या आएगा, एक मीटर आगे चलने पर ई एक्स किसके बराबर आया, डिक्रीमेंट के। इसका मतलब ये है कि यदि आप एक मीटर एक्स एक्सिस में चलते हैं तो जो डिक्रीमेंट आएगा पोटेंशियल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आएगा, यानी मैं एक मीटर आगे चलूं तो पोटेंशियल दो वोल्ट घट जाएगा, माइनस टू वोल्ट आ जाएगा क्योंकि ये जीरो है, घटाऊंगा तो माइनस टू वोल्ट, एक मीटर और आगे जाऊंगा तो दो वोल्ट और घट जाएगा माइनस चार वोल्ट, और एक मीटर और आगे जाऊंगा तो दो वोल्ट और घट जाएगा, यानी बी का क्या आएगा माइनस सिक्स वोल्ट। बी का पोटेंशियल कितना आया, माइनस सिक्स वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है ये बात आपको थोड़ा देर में समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करें, बार बार पीछे जाकर चीजों को समझें, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, समझे। अब मैं कहां जाना है, मेरे को ई पे जाना है, ई कितना है एक मीटर, मुझे पता है कि यदि मैं, ये कौन है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में कौन है थ्री, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है थ्री, एक मीटर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो तीन वोल्ट घट जाएगा, यानी यहां क्या आएगा माइनस थ्री वोल्ट क्योंकि ये एक मीटर है, एक मीटर चलूंगा तो मैं ई पे पहुंच जाएगा क्योंकि ये एक मीटर है, तो एक मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, प्लस के कैप,
तो 3 वोल्ट घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 के बराबर है। मुझे पता है 1 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड जाने पर डिक्रीमेंट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर पोटेंशियल में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैं 1 मीटर चलता हूं तो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है। कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? कितना है? 3 माइनस 3 वोल्ट। अब मैं यहां से ए पे जाता हूं या आप बी से ए पे आ जाओ, सेम तरीके से सेम आंसर आएगा। दोनों ही तरीके से बी से ए पे आता हूं तो मैं किधर जा रहा हूं? जेड डायरेक्शन में जा रहा हूं। बी से ए पे आने का मतलब जेड डायरेक्शन, और कितना जा रहा हूं? 1 मीटर। तो जेड डायरेक्शन में चलने पर कितना डिक्रीमेंट आएगा? 3 का डिक्रीमेंट आएगा पोटेंशियल में, क्योंकि 1 मीटर चल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3। तो कितना आएगा? 9 पर, ए पॉइंट पर -9 वोल्ट। 3 और घटाना पड़ेगा 6 में से। अब मैं यहां से कहां जाता हूं? सी पे जाता हूं। अब मैं वाई एक्सिस में चल रहा हूं, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, नीचे माइनस जे, और कितनी है? 1। अमाउंट कितना है? 1। तो यदि मैं यहां से 1 मीटर ऊपर जाता हूं यहां तक, तो अब की बार इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि आप अपोजिट जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, तो इंक्रीमेंट आएगा। तो कितना इंक्रीमेंट होगा? 1 वोल्ट का। तो यहां से यहां तक जाने में 1 वोल्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो कितना आएगा? -5 वोल्ट। अब यहां से फिर 1 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 मीटर 1 वोल्ट का और इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आप अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहे हो। तो यहां से यहां कितने गया? 2 मीटर। तो कितने का इंक्रीमेंट होगा? इसका दुगना। यहां कौन लिखा हुआ है? 1, यानी 2। तो यहां क्या आएगा? -4 वोल्ट। क्लियर? अब इसी प्रकार से आप जी पे जाओ, जी पे जाने के लिए आप एक्स एक्सिस के अपोजिट चलोगे। एक्स एक्सिस में कौन है? 2। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने का मतलब इंक्रीमेंट। कितना चल रहे हो आप? 3 मीटर चल रहे हो। 1 मीटर चलोगे तो इंक्रीमेंट कितना होगा? 2 वोल्ट का। 3 मीटर चलोगे तो कितने का होगा? 6 वोल्ट का इंक्रीमेंट। तो -4 में 6 जोड़ना पड़ेगा तो आएगा +2 वोल्ट। क्लियर? इसी प्रकार से यदि मैं सी पे डी पे जाना चाहता हूं, सी से डी पे, सी से डी पे जा रहा हूं तो मैं जेड एक्सिस में चल रहा हूं। जेड एक्सिस कौन है? 3। और 1 मीटर चलना पड़ेगा मेरे को, तो मुझे पता है कि अब डिक्रीमेंट आएगा, क्योंकि मैं जेड एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये चलूंगा तो डिक्रीमेंट आएगा, और ये 1 मीटर है तो डिक्रीमेंट 3 यूनिट के बराबर आएगा, तो यहां आएगा -7 वोल्ट। तो यही फंडे से मैं सबके आंसर लिखने जा रहा हूं, आप फटाफट देखते जाएं। क्लियर? यहां -3 वोल्ट है। अब मैं वाई में जाऊंगा, इंक्रीमेंट होगा 2 यूनिट का, ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो यहां आएगा -1 वोल्ट। ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट का मैंने पोटेंशियल लिख दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखें कि मैंने हर एक पॉइंट का पोटेंशियल किस प्रकार से कैलकुलेट किया है। और होमवर्क अब आपका ये रहेगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। देखो बच्चे, रटना नहीं है आपको, मैंने कुछ भी चीज फॉर्मूले से नहीं कराई है, देखो सिर्फ लॉजिकल वे से क्वेश्चन सोल्व कराया है। यहां भी ओरिजिन का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ओरिजिन बराबर 0 वोल्ट। लेंथ चेंज कर देते हैं, इस बार ये कर देते हैं 2 मीटर, ये कर देते हैं 1 मीटर, और ये कर देते हैं 3 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार दिया हुआ है इस रीजन में -i कैप + 2j कैप + 3k कैप, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, ए बी सी डी ई एफ जी, हर एक पॉइंट का इसमें पोटेंशियल बताना है। क्लियर? नाम वही रख देता हूं जो पीछे रखे थे मैंने, जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको मुझसे क्वेश्चन पूछने में। मैंने इसको ए माना, ए बी सी डी एफ जी ई, ए बी सी डी ई एफ जी ओ, ये होमवर्क है आपका। इसमें हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको बताना है, यदि ओरिजिन का पोटेंशियल 0, समझे? तो ये जो आज चीजें आपको पता चली,
ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप अच्छे क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्लियर। मैं जैसे जूम पे भी आपको पढ़ाता हूँ तो यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आते हैं जो यहाँ नहीं बता पाता हूँ मैं, वो जूम पे आपके साथ डिस्कस कर लिए जाते हैं। तो हर एक चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपके साथ डिस्कस की जा रही है, कुछ भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है कि जो यहाँ जो छूट जाता है वो जूम पे किया जाता है, समझे ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये क्वेश्चन दोनों आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, जूम पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।